नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेवल विद आरडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मलेशिया की वीज़ा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी हम थाईलैंड का प्लान करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थाईलैंड के साथ साथ अगल बगल के कुछ पड़ोसी देश जैसे कि वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया या सिंगापुर की भी यात्रा कर लेते हैं साथ ही साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे थाईलैंड की वीज़ा प्राप्त करना बहुत आसान होता है, वीज़ा ऑन अराइवल हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वैसे इंडोनेशिया में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, कम्बोडिया में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, लेकिन मलेशिया में वैसे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी तो नहीं है। लेकिन वीज़ा मलेशिया की जो वीज़ा प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इसे आप बिना किसी एजेंट की सहायता से, बिना किसी दूसरे की मदद से आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मलेशिया की जो वीज़ा होती थी वो सिर्फ ई वीज़ा कहलाती थी, और अभी हाल में मलेशिया ने भारतीयों के लिए एक एंट्री वीज़ा नामक वीज़ा फैसिलिटी की शुरुआत की है। तो ये ई वीज़ा में पहले बैंक स्टेटमेंट पूछे जाते थे और उनका एक अप्रूवल होता था, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे और एक दो दिन बाद वे उसे प्रोसेस करते थे और मैनुअली उसे चेक करते थे। लेकिन अभी पिछले लगभग एक या डेढ़ सालों से एंट्री वीज़ा के शुरू हुई है। तो ये एंट्री वीज़ा में करना क्या पड़ता है, सिर्फ आपको पासपोर्ट स्कैन करके डालना है और फ्लाइट और होटल की बुकिंग को एक PDF में मर्ज करके डालना होता है दोस्तों, और एक आपको पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मलेशिया का जो एंट्री नोट है बिल्कुल आसान है, इसे पिछले साल जो है 2017 के अप्रैल से ये शुरू हुई थी, और भारत और मलेशिया के सरकारों के बीच कुछ समझौता हुआ था जिसमें मलेशिया ने भारतीयों के लिए वीज़ा नियमों में कुछ ढील दी थी। तो दोस्तों, ये एंट्री नोट बिल्कुल आसान होता है, आपको सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, एक यूजर अकाउंट उसमें क्रिएट करना पड़ता है, और बिल्कुल आसानी से लगभग इसमें आप 1400 या 1500 यानी लगभग $20 की फीस इसमें लगती है। वहीं अगर रेगुलर ई वीज़ा जब अप्लाई करते हैं मलेशिया की, तो उसके लिए आपको लगभग 2700 रुपये से कुछ अधिक रुपया आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मात्र 15 दिन के लिए अगर मलेशिया जाना चाहते हैं, नॉर्मली कोई 15 दिन के लिए उसे जाता नहीं है, तो या घूमने फिरने के उद्देश्य से अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं मलेशिया, तो आसानी से आप एंट्री नोट चुन सकते हैं। और ये बिल्कुल ही इसमें कोई भी अप्रूवल प्रोसेस भी नहीं होता है, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और पेमेंट करते ही आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होता है, यानी वही ई वीज़ा होता है, और उसे आप जो है वहाँ पर एयरपोर्ट पर दिखा सकते हैं और आपको बिना किसी परेशानी के आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करने दे दिया जाता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ इस वीडियो में कि मलेशिया की जो एंट्री वीज़ा होती है उसे कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मलेशिया का ई वीज़ा या एंट्री वीज़ा के बारे में कैसे उसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एंट्री वीज़ा के बारे में यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। एंट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये ई वीज़ा की तुलना में इसे लेना काफ़ी आसान होता है, और इसे डायरेक्ट आप प्रिंट करके वहाँ पर मलेशिया इमिग्रेशन में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है, 15 दिनों से अधिक रुकना अलाउ नहीं होता है एंट्री वीज़ा में, और इसे आप प्रिंट करके वहाँ पर दिखा सकते हैं। पिछले वर्ष ये अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक इसकी ये सर्विस चालू थी, लेकिन अभी जो है एंट्री की फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है कुछ समय के लिए, और ये 10 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक अभी ये फैसिलिटी चालू रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको इंडिया से मलेशिया की डायरेक्ट फ्लाइट या डायरेक्ट रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए, या फिर इंडिया से लेकर आपको सिंगापुर, थाईलैंड या ब्रुनेई होते हुए अगर आप मलेशिया जाते हैं तो आप इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से मलेशिया, अगर इन देशों की तुलना में इन देशों के अलावा किसी और देश से अगर जाना चाहते हैं, तो आपको एंट्री वीज़ा का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, और उस केस में आपको ई वीज़ा या रेगुलर ई वीज़ा का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय एयर आप इन एयरपोर्ट्स से आप जा सकते हैं, बाय लैंड आप इन बॉर्डर पे आप जा सकते हैं, यानी इन बॉर्डर से आप मलेशिया में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से दोबारा पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद एक और बात यहाँ पर जो है, लगभग उसका भी कंडीशन सेम है, अगर जो इंडिया से बाहर रहते हैं जो इंडियंस, लेकिन उनको भी डायरेक्ट फ्लाइट अगर वहाँ से मलेशिया की रहती है तो, या फिर जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया है वहाँ से अगर वे मलेशिया आना चाहते हैं, तो उस केस में भी वे एंट्री वीज़ा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस केस में भी उन्हीं एयरपोर्ट्स, लगभग सेम एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, और बाय लैंड बॉर्डर अगर जाना चाहते हैं तो लैंड बॉर्डर की भी लिस्ट यहां पर दी हुई है दोस्तों। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये एंट्री वीज़ा के साथ साथ आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पर आपको पड़ेगी जब आप मलेशिया में प्रवेश करते हैं या मलेशिया में जब अराइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंट्री नोट या एंट्री वीज़ा का प्रिंटेड कॉपी आपको वहाँ दिखानी पड़ेगी, उसके बाद एक बोर्डिंग पास जो है, जो फ्लाइट की बोर्डिंग पास है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और रिटर्न टिकट्स जो कंफर्म रिटर्न टिकट्स है मलेशिया से आगे जाने की, वे आपको
दिखानी पड़ती है। उसके बाद सफिशियंट एक्सपेंसेस, यानी कि आपके पास वहाँ पर रुकने लायक पैसे कौड़ी है या नहीं है, आप अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं या नहीं, उनके लिए कोई प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन वैसे जब हम गए थे तो किसी तरह की प्रूफ का मांगा नहीं गया, ऐसे वे इनके मूड पर डिपेंड करता है कि वे इसकी इसकी डिमांड करते हैं या नहीं, या प्रूफ आपसे मांगते हैं या नहीं। अगर उनको किसी तरह का शक होता है तो आपसे वे इस तरह की कैश या क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की डिमांड वे आपसे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कंप्लीट ट्रेवल इटिनरी, आपको किस किस दिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है और वापस कब जाना है, इसके बारे में वे पूछ सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, मलेशिया की इमिग्रेशन काफ़ी आसान होता है और वहाँ पर ज़्यादा वे पूछताछ नहीं करते, सिर्फ ये एंट्री नोट, ये बोर्डिंग पास और रिटर्न टिकट, ये तीन ही चीज़ वे देखते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो यहाँ लिखा हुआ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस पास इन अप्लाइड कंट्री, अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में अगर आप वहाँ से अप्लाई अगर आपने किया है तो वहाँ आपको रेसिडेंस पास या वहाँ अगर रहते हैं तो उसकी एक प्रूफ आपको दिखानी पड़ सकती है दोस्तों। खैर इसके बारे में अभी पक्का नहीं कह सकता किस तरह की पास की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मलेशिया की जो सपोर्ट चैट है उनसे चैट में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे मैं आपको वेबसाइट में इनका वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मलेशिया की जो एंट्री वीज़ा है कैसे अप्लाई करनी है। तो दोस्तों मलेशिया की एंट्री वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे विंडोज मलेशिया सर्च करना पड़ता है। विंडोज मलेशिया सर्च करें और उसके बाद सबसे पहले जो आपको साइट मिलता है अप्लाई ई वीज़ा, यहाँ पर आप जाएं windomalaysia.my, इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है और ये कोई भी एजेंट वेबसाइट नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले आई एम न्यू और एक रिटर्निंग यूजर का आपको मिलता है। तो यहाँ पर आई एम न्यू में जब अप्लाई करते हैं तब आप यहाँ पर आई एम न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये खुलता है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको पासपोर्ट किस तरह स्कैन करना है और ये उसके आप चाहें तो मोबाइल से ही फ़ोटो खींच सकते हैं। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर इवन नेम और उसके बाद सर नेम, नेशनलिटी, उसका पासपोर्ट नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरने के बाद आप लोकल एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पासपोर्ट का ही एड्रेस हो। आप अगर आपका पासपोर्ट एड्रेस करंट एड्रेस से अलग है तो आप करंट एड्रेस भी यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यहां पर ईमेल, पासवर्ड आंसर देने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पर जब क्लिक करते हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट हो जाता है दोस्तों। वैसे मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं अगर दोबारा अपनी डिटेल्स दूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो मैं आपको इससे आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि रजिस्टर होने के बाद किस तरह का विंडो यहाँ पर खुलता है। तो दोस्तों ये मलेशिया विंडो या विंडो मलेशिया की साइट है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई ई वीज़ा और उसके नीचे एनरोल एंट्री प्रोग्राम। तो मुझे एनरोल एंट्री प्रोग्राम पे क्लिक करना है और इसके लिए लगभग $20 लगभग 1400 रुपये से कुछ अधिक की आपको फ़ीस लगने वाली है। वहीं अगर आप रेगुलर ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 2700 रुपये से भी कुछ अधिक का पैसा चुकाना पड़ता है। तो इस केस में आपको 15 दिनों के लिए ही एंट्री वीज़ा मिलती है, इसकी फ़ीस भी लगभग आधी है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको घूमना फिरने के लिए आप जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो मैं एनरोल एंट्री प्रोग्राम पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंट्री प्रोग्राम जो है जितने लोगों को अप्लाई करना है हर आदमी को यहाँ पर अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा और अलग अलग अकाउंट बनाने के बाद जो है इंडिविजुअल हर एक को ये वीज़ा अप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वही सेम चीज़ जो पहले मैंने बताया, ये इन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे और इन एयरपोर्ट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये लैंड बॉर्डर की लिस्ट है और ये मलेशिया की हॉलीडे की कुछ लिस्ट है। उसके बाद सबसे नीचे है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको देखिए, ये मैंने पहले से एक अप्लाई किया हुआ था तो ये अभी मेरे लिए इनवैलिड हो गया है तो मैं अप्लाई न्यू पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो डालनी पड़ेगी, वो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस एरिया वाली होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट की फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ उसकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। जैसे कि आप मान लिया कि अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है
फोटो की साइज जो है 35 mm by 50 mm की होनी चाहिए, विदाउट बॉर्डर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, फुल फेस होनी चाहिए और फेशियल इमेज जो है चिन से क्राउन तक होनी चाहिए और स्टूडियो से जो फोटो खींची हुई है उसी फोटो को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और मोबाइल से खींची हुई या स्कैन्ड फोटो जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की फ़ोटो एक्सेप्ट की जाएगी, टेढ़े मेढ़े या छोटे बड़े फ़ोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो इसे ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसका पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है, पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज है या फर्स्ट 2 पेजेज जो है उसे ही आपको स्कैन करना है, कैमरा से भी खींचते हैं तो भी आपको चलेगा और लेकिन सारी जानकारी जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और फुल कलर में ही आपको स्कैन करना है और ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है और उसके बाद ओरिजिनल साइज में आपको स्कैन करना है। तो ये हुई पासपोर्ट की जानकारी। इसके बाद फ्लाइट इटिनरी जो है यहाँ पर दी हुई कि आपको फ्लाइट की जो टिकट है, राउंड ट्रिप जो टिकट है, सारी टिकटें जो है एक PDF में मर्ज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अधिक जानकारी के लिए आप बाद में इस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एकोमोडेशन प्रूफ में आपको होटल बुकिंग की जो वाउचर्स आपको ईमेल पे जो मिली होगी उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में वैसे कुछ खास नहीं होता और पर्पस ऑफ स्टे में आप टूर डाल सकते हैं, ये जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की जानकारी यहाँ पर आपको डालनी है, यहाँ पर ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर की जानकारी आपको देनी है, अराइवल डेट आपको भरनी है, कंट्री ऑफ डिपार्चर कहाँ से आप डिपार्चर कर रहे हैं, कौन सी देश होते हुए जा रहे हैं, कौन सी देश आपको डेस्टिनेशन है, मलेशिया है तो मलेशिया लिखना है, बाय लैंड या बाय एयर या फ्लाइट से आप बाय रोड जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है, मलेशिया से आप रिटर्न कब आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी है, कंट्री ऑफ ट्रांजिट भी सेम है रहेगा, आपको जिस कंट्री से होकर आप जाना चाहते हैं, ये कंट्री ऑफ डिपार्चर है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन तो इंडिया होगा, उसके बाद एग्जिटिंग वाया लैंड या बाय एयर आप किस तरह जाना चाहते हैं, उसके बाद इंडिया की जो एड्रेस है आपको भरनी है या मलेशिया की एड्रेस भरनी है जिस होटल में आप रुकना चाहते हैं, उसका पेमेंट मेथड में आपको वीजा या मास्टर कार्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट दबाने के बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी। चलिए मैं आपको वो रिसिप्ट दिखा देता हूँ किस तरह की रिसिप्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर जाने के बाद जब आप दोबारा यहाँ पर एंट्री प्रोग्राम में जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये आपको मिलेगा और यहाँ पर आप प्रिंट जैसे ही दबाएंगे तो आपको ये मलेशिया की एंट्री नोट इस तरह का आपको मिलेगा जिसपे एक बारकोड और एक QR कोड भी आपको पहले से मिला है। तो ये मेरी मार्च की जब मैंने गया था तो मार्च की ये वीज़ा थी, तो इस तरह का इसे आपको प्रिंट करके वहाँ पर ले जाना है, ये मलेशिया की वीज़ा है।